हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर में क्वेश्चंस कंप्लीट किया था और कुछ थोड़ा सा पार्ट प्रोजेक्शन का देख लिए थे, है ना। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, तो जिसके अलॉन्ग निकालना है ना, मतलब मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने लाइट दिया, ठीक है, या पहले शुरू से This is the, say, A vector and this is B vector. मुझे A vector का projection निकालना है B vector पे। तो मैं क्या करूँगा? इधर से line डालूँगा, ठीक है? तो इधर से जो line डालेंगे, उसका जो image बनेगा, image कह सकते हो, ठीक है? अच्छा word। कि यहाँ से इसको मिला और यहाँ से इसको मिला, ठीक है? ये जो image बनेगा, ठीक है? इमेज को या क्या सेट हो, ठीक है। लाइट यदि हम इधर से डालें तो यहां से परपेंडिकुलर एंड यहां से परपेंडिकुलर, तो ये जो पार्ट होगा, दिस इज बेसिकली नोन एज प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। OA ये वेक्टर का लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर, ठीक है। और यदि इसके अलोंग हम वेक्टर निकाल दें, मतलब इसके अलोंग क्या, मतलब ये वेक्टर निकाल दें यहां से यहां तक, ठीक है। यदि ये वेक्टर हम निकाल दें, this is basically known as projection vector, ठीक है। दो टर्म मैंने बोला, length of projection and projection vector। किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है ना, length of projection निकालना है, यहां से line डालें, तो कौन सा length होगा, यहां से perpendicular डालूं, यहां से perpendicular डालूं, ये जो length होगा, basically this is known as length of projection, ठीक है। और इसके अलावा जो वेक्टर होगा, that is known as length of projection vector। इसके अलावा जो वेक्टर होगा, that is known as projection vector, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था जो मैं लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, है ना। उसके बाद हम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन देखते हैं। तो मैं फिगर जो बनाया था वो फिगर बना लेता हूं फिर से। तो दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज ऑरिजिन, ठीक है, एंड दिस इज सी, ठीक है। तो ये जो है OC, this is known as length of projection, ठीक है, this is known as length of projection, ठीक है, this is known as length of projection। और ये हम निकाल चुके थे, तो OC आता है basically क्या, और ये angle theta है, मतलब A vector और B vector के बीच का angle क्या है, angle between A vector and B vector is theta, ठीक है। तो OC का जो length आया था, वो आया था क्या, या तो यहाँ से लिखोगे तो OA cos theta, और इसको हम vector form में लिखे थे, तो A vector जिसका चाहिए, A vector का चाहिए तो A vector, और dot जिसके along चाहिए उसका unit vector, और इसका modulus ले लो क्योंकि length की बात कर रहे हैं। तो ये था basically length of projection, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, ये याद कैसे रखना है वो मैं बता, क्या कैसे याद रखेंगे, जिस वेक्टर का चाहिए वो वेक्टर का डॉट, जिसके अलोंग चाहिए उसका यूनिट वेक्टर, तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, याद है, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, नोट कर लो, यदि नोट करना है, ठीक है। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, OC वेक्टर चाहिए, है ना। तो OC वेक्टर क्या होगा,
तो कोई भी वेक्टर निकालने के या कोई भी वेक्टर के लिए मुझे क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इस वेक्टर का, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये तो मैग्नीट्यूड है ना। इसमें यदि मैं डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या है, अलोंग डी वेक्टर है ना। यदि मैं इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, इस मैग्नीट्यूड में यदि कोई भी मान लो वेक्टर है, इसमें यदि मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस के कंपोनेंट है, इसमें मैं आई के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, आई से, बट मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है, 5 है ना। इसका मैग्नीट्यूड अभी भी 5 है, बट आई कैप लगा देने से क्या होगा कि डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से यदि इसका डायरेक्शन मुझे अलोंग बी वेक्टर चाहिए, मैंने क्या कहा कि यदि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन अलोंग डायरेक्शन चाहिए था, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो वैसे b के अलावा यदि तुमको डायरेक्शन चाहिए तो b का यूनिट वेक्टर, मतलब b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b इससे मल्टीप्लाई करो। ये क्या है, ये तो यूनिट वेक्टर है, मतलब बेसिकली यदि मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन वाइज देखें तो इसके अलावा डायरेक्शन, तो ये हो गया बेसिकली क्या, oc वेक्टर, ठीक है। दिस इज बेसिकली नोन एज ac oc वेक्टर, which is projection vector, ठीक है, note करो। ठीक है, तो देखो इसको बहुत सिंपलीफाई करके मैं कैसे लिख सकता हूं, तो OC vector बराबर A vector, इस B cap को B vector upon mod B लिख सकते हैं, और ये क्या है, B vector अपॉन मॉड बी, ठीक है, तो इट इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं ओसी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी का स्क्वायर, मॉड बी टू मॉड बी, मॉड बी का स्क्वायर। ये सोचो क्या है, तो ये तो एक स्केलर नंबर है और इसके साथ क्या है, बी वेक्टर, इसके साथ क्या है, बी वेक्टर है ना, इसके साथ क्या है, बी वेक्टर, ठीक है। तो ये आ गया प्रोजेक्शन वेक्टर, इसको नोट करो, दिस इज बेसिकली नोन एज प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो फिर से मैं नोट कर रहा हूं क्या कि प्रोजेक्शन वेक्टर जो है वो क्या होगा, प्रोजेक्शन वेक्टर दैट इज इक्वल टू ओसी वेक्टर, वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या था वो तुम्हें याद होगा कि ए वेक्टर डॉट बी कैप है ना, और इसके साथ तुम क्या मल्टीप्लाई कर लो, बी का यूनिट वेक्टर, यही तो किया है, जो बी वेक्टर अपॉन मॉड बी था उसको सिंपलीफाई करके ये लगा, बेसिकली हमने क्या किया, इसके मैग्नीट्यूड में एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया, तो और सिंपल में ये हम क्या करें, मैग्नीट्यूड इनटू जिसके अलोंग चाहिए है ना, जिसके अलोंग चाहिए उसका यूनिट वेक्टर, सिंपल, उसको सिंपलीफाई करोगे तो बेसिकली ये क्या है, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली प्रोजेक्शन वेक्टर या ओसी वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट मिटा दे इसको, तो ये तो हो गया ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर या पैरेलल टू बी वेक्टर। अब हम नेक्स्ट टर्म लिखे थे सी ए वेक्टर, विच इज इक्वल टू व्हाट, कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ सी ए वेक्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर क्या है, A का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये, ठीक है, तो तुम देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, मतलब OC वेक्टर प्लस CA वेक्टर, ठीक है, OC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर। OC वेक्टर क्या है वो तो तुम निकाले हो है ना, तो
ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू बी कैप, ठीक है, प्लस सी ए वेक्टर, ये तुम्हें निकालना है, और ओ ए वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर के बराबर, ये ए वेक्टर के बराबर, ठीक है। तो यहां से सी ए वेक्टर निकल जाएगा, इसको मिटा दें, तो यहां से सी ए वेक्टर निकल जाएगा क्या, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू बी कैप, ये हो गया सी ए वेक्टर, विच इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। तो तीन चीज हमने निकाला, नोट कर लो, यहां तक तीन चीज निकाली, तीनों को ध्यान, ठीक है। तो इसको मिटाया, तो तीन चीज हमने निकाला, एक तो ओसी का लेंथ वो कैसे लिखते हैं, जिसका चाहिए उसके साथ, जिसके अलाउंग चाहिए उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, का डॉट डॉट प्रोडक्ट उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, और परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर वो क्या होगा, वो होगा ए वेक्टर, जिसका चाहिए मतलब इसका चाहिए तो दिस माइनस दिस वेक्टर, दिस माइनस दिस वेक्टर, ठीक है। ये तीन चीज हमने यहां पर निकाला, ठीक है। तो ये सब क्या था, बेसिकली ए वेक्टर का अलोंग बी वेक्टर है ना, या ए वेक्टर का अलोंग परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब मैं जस्ट यदि उल्टा पूछू, ठीक है, ये नोट आउट कर लो, है ना, ये फिगर निकाल देना, ठीक है, इससे कुछ लेना देना नहीं। तो यदि मैं पूछूं सिमिलरली, यदि मैं प्रोजेक्शन ऑफ, सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, अभी ए का अलोंग बी कर देते या ए का ऑन बी कर देते, अब प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर करते, ठीक है, देन लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, देखो कैसे लिखना है, लिखना समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, बार बार फिगर नहीं बनाने की जरूरत। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर और ए वेक्टर है ना, तो उसमें हम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो बी वेक्टर का निकालना है, मतलब बी वेक्टर किस पे निकालना है, ए वेक्टर पे, तो उसका यूनिट वेक्टर, देखो इसका उल्टा गया, ठीक है, तो इसको निकाल पाओ, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, वो होगा ये वेक्टर इनटू किसके अलोंग चाहिए, ए के अलोंग, तो ए का यूनिट वेक्टर, जहां बी था वहां ए, जहां ए है वहां बी, तो ये भी हो गया। अब कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, बी वेक्टर का कंपोनेंट मतलब बी वेक्टर माइनस, ठीक है, माइनस ए प्रोजेक्शन वेक्टर, बस इस तरीके से हम चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हुआ है ना, तो नोट आउट कर लो इसको। इस तरीके से हम किसी का भी प्रोजेक्शन किसी के अलोंग निकाल सकते हैं, किसी वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नोट आउट करो, ठीक है, मिटा दे। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट डाल के लिख लो, लेट ए वेक्टर बराबर ए वन,
लेट ए वेक्टर बराबर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, लेट ए वेक्टर बराबर दिस। ठीक है, यदि मैं तुमसे पूछूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग आई, ए का प्रोजेक्शन अलोंग आई कैप निकालना, ठीक है, तो वो क्या होगा? तो यदि मान लो लेंथ निकालना है, लेंथ बराबर क्या होगा? तो इसका प्रोजेक्शन है ना, सिर्फ प्रोजेक्शन लिखा है, मतलब वो लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है? तो ये क्या होगा, तो देखते हैं। ए वेक्टर जिसका चाहिए, किसके अलोंग चाहिए? आई कैप, मतलब ए डॉट आई इसका, ठीक है। तो ये देखो क्या है, ए वेक्टर क्या है, ये इसका आई के साथ डॉट, तो सिर्फ ए मिलेगा, विच इज इक्वल। इसी तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग जे कैप क्या होगा? तो ए वेक्टर का डॉट जे कैप के साथ, विच इज इक्वल टू ए टू, ठीक है, इसका डॉट जे के साथ रियल मिलेगा सर। एंड इसी तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग के कैप वो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट के कैप विच इज इक्वल टू ए, ठीक है। मतलब यदि ए वेक्टर बराबर दिस आई कैप प्लस दिस जे कैप प्लस दिस के कैप इवन, तो इसमें इवन जो होता है ये क्या होता है, इवन क्या होता है, इवन होता है प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग, इवन इज बेसिकली व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा? ए टू। प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस क्या होगा? ए थ्री, ठीक है। यदि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन मुझे तीनों एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है तो उसका वेक्टर क्या होगा? एक्स वाला का जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट इनटू आई कैप प्लस कंपोनेंट इनटू जे कैप प्लस कंपोनेंट इनटू के कैप, इस तरीके से हम वेक्टर लिख सकते हैं। नोट करो इसको, फिर मैं इसको लिख रहा हूं। फिर के इंटू के कैप,
मतलब एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होता है दैट इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कंपोनेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, जेड कंपोनेंट प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ये होता है, ठीक है, जो मैंने बोला आपको है ना। और ये पूरा पार्ट यदि देखें तो ये क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज बेसिकली इक्वल टू प्रोजेक्शन वेक्टर, या ऐसे नहीं लिखो, प्रोजेक्शन वेक्टर मत लिखो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ये पूरा चीज अब मैं आई ले रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, प्लस या प्रोजेक्शन वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है, यदि कंपोनेंट में दिक्कत हो रहा है तो यहां लिखो प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे प्रोजेक्शन वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ, अब देखो मैं यहां पे जब वेक्टर लिख रहा हूं तो आई कैप जे कैप के कैप बता दिया है ना, प्रोजेक्शन वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, प्लस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो आई होप बस कैसे लिखा जा रहा है प्रोजेक्शन के टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, बस वो मैं तुमको यहाँ पे समझा रहा, ठीक है ना, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप प्रोजेक्शन वाला पार्ट तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है ना, तो बस छोटा सा टॉपिक था वो ही, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहां तक देख लो, कोई डाउट वो तो क्लियर कर लो, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो
किसका लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है ना, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ OB वेक्टर और OA वेक्टर, इसका पहले लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकाल दो, टू टैक ऑफ से लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ OA वेक्टर ऑन OB वेक्टर, ये निकाल ना। तो OB वेक्टर का OA वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेंथ निकालना है, तो क्या होगा लेंथ OB वेक्टर जिसका निकालना है वो वेक्टर का डॉट जिस पे निकालना है वो यूनिट वेक्टर अपॉन नीचे OA वेक्टर का डॉट OB कैप के साथ, ठीक है क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेता हूं, तो ये क्या लिखा होगा OB डॉट OA अपॉन मॉड ऑफ OA, ठीक है, और ये हो जाएगा OA डॉट OB, OA डॉट OB, ठीक है, देखो ये हो गया OB डॉट OA अपॉन मॉड OA, ये यूनिट वेक्टर हो गया, ऐसे ही OA अपॉन मॉड OA डॉट OB अपॉन मॉड OB, देखो यदि इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ मॉड, ठीक है। यूनिट वेक्टर कौन, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है, देखो OA डॉट OB लिखो या OB डॉट OA लिखो दोनों एक ही बात है, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब OA डॉट OB तुमको निकालने का जरूरत नहीं है, रेशियो पूछा है तो वो कट गया है ना। तो ये बेसिकली क्या आ गया, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ OB वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो बार नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, तो OB वेक्टर अपॉन OA वेक्टर ये तुम्हारा आंसर, ठीक है क्या? तो OB वेक्टर निकाल दो, OA वेक्टर निकाल दो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल, ठीक है, तो नोट कर लो पहले। तो मैं यहां निकाल लेता हूं OB वेक्टर, OB वेक्टर क्या होगा, तो वो हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस सेवन जे कैप प्लस एट के कैप, ठीक है, और OA वेक्टर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस, ये पोजीशन वेक्टर दिया है तो वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ओ बी अपॉन ओ ए इसको मैं डाल रहा हूं, दिस विल बी इक्वल टू ओ बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ओ ए का मैग्नीट्यूड, तो ओ बी वेक्टर निकाल चुके मतलब ये पता है, तो लिख दो अंडर रूट वन का स्क्वायर सॉरी माइनस वन का स्क्वायर प्लस सेवन का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर, पहले ओ बी लिखे ना प्लस सेवन का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन प्लस एट एट जा सिक्सटी फोर अपॉन वन प्लस टू टू जा फोर प्लस थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट ये
बी पार्ट क्या है सॉल्यूशन? बी पार्ट पूछा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी ऑन लाइन OA, है ना? तो देखो पॉइंट बी है मतलब ये से दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, और ऑन लाइन OA, ये लाइन OA, ठीक है, दिस इज से O और दिस इज से A, दिस इज से ये, ठीक है। तो तुमसे क्या पूछा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, मतलब इस पॉइंट बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट बी मतलब बी वेक्टर, पॉइंट ए मतलब ए वेक्टर, ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये, वो सब गिवन है, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, तो ये वेक्टर मुझे पता है ना, ये वेक्टर क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन कॉमा सेवन कॉमा एट और ये वन कॉमा टू कॉमा, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन लाइन ओए, मतलब देखो थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया है, ठीक है ना। दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या कि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ये पूछा, ये पूछा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी ऑन लाइन ओए, मतलब इसके परपेंडिकुलर टू लाइन ओए होना चाहिए था, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लाइन ओए, टू लाइन, ठीक है, ये पूछा गया कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया है ना, मतलब यदि सपोज करो ये परपेंडिकुलर है ये, तो तुमसे पूछा गया है पर कंपोनेंट मतलब डिस्टेंस पूछा गया है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया, ठीक है ना, डिस्टेंस पूछा गया मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुमसे पूछा गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर क्या होगा ये बता, ठीक है। तुम ये समझ में आया ना, तुम्हें क्या लिखना निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी टू लाइन ओए इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, व्हिच इज यहां फिगर से बीसी वेक्टर का लेंथ, कॉपी डिस्टेंस पूछा गया, ठीक है, क्लियर। अब बीसी वेक्टर होता क्या है वो तुम्हें पता है क्या होता है, तो बीसी वेक्टर क्या होता है, तो बीसी वेक्टर होता है बी वेक्टर, है ना, यदि वेक्टर, चलो ये तो पूछा गया है ना, अब पहले मैं बीसी वेक्टर निकालता हूं, तो BC वेक्टर इज इक्वल्स टू बेसिकली ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर, OC वेक्टर क्या होगा, तो इसका कंपोनेंट मैग्नीट्यूड होता है B वेक्टर डॉट A कैप, ये मैग्नीट्यूड इनटू A कैप, दिमाग में आया क्या, ये B वेक्टर माइनस इसका प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है, वो घटा दो, तो प्रोजेक्शन वेक्टर होता है बेसिकली क्या, B वेक्टर डॉट A कैप, तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, बीसी वेक्टर निकाल सकते हो, वेक्टर निकल जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है, क्या नोट कर लो यहां तक, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, तो ये सब मिटा दो, तो BC वेक्टर बराबर हो जाएगा, तो B वेक्टर क्या है, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं मतलब तुम समझ सकते हो, ये I के साथ है, J के साथ है, A के साथ, ठीक है, माइनस B डॉट A, है ना, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या होगा, बी वेक्टर ए कैप को मैं ए वेक्टर अपॉन मॉड ए लिख सकता हूँ, इसका मॉड इनटू ये जो ए वेक्टर है, ये बेसिकली ए ए कैप जो है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, इस तरीके से सॉल्व कर, ठीक है क्या, तो ये हो जाएगा माइनस वन सेवन एट माइनस बी डॉट ए, है ना, तो निकाल दो बी डॉट ए, ये बी वेक्टर है ये ए वेक्टर, तो बी डॉट ए निकाल दो, तो माइनस वन इंटू वन माइनस वन, ठीक है, प्लस सेवन टू जा माइनस वन इंटू वन माइनस वन प्लस सेवन टू जा फोर्टीन प्लस एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ये तो हो गया बी डॉट ए अपॉन मॉड ए इंटू मॉड ए का स्क्वायर, और मॉड ए क्या है, तो
तो चलो एक लाइन और लिख देते हैं, दिस इनटू ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर क्या है, 1 2 3 है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, -1 7 8 -24 4 28 10 38 37, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर इनटू 1 2 3, ए वेक्टर ये, ठीक है। ये हो जाएगा -1 7 8 -, ये हो जाएगा 37 अपॉन 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो √14, सॉरी इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेसिकली 14, ये इनटू 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ -i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, -37 बाय 14 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व कर, तो ये ऊपर वाला पार्ट निकाल, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, तो bc वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, -i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप, माइनस, तो i वाला इसके साथ अब सब्ट्रैक्ट कर ही दो ना, तो -1 -37 बाय 14, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा मुझे ज्यादा दिख रहा है, -1 -37 बाय 14 प्लस 7 माइनस दिस इनटू 2, तो 37 74 बाय 14, ठीक है, दिस इनटू जे कैप प्लस 8 माइनस 37 90 और 7 21 111 है, सॉरी दिस माइनस दिस इनटू जे कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर निकल गया और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो 37 4 41 10 51, ठीक है क्या, 37 4 41 10 51 -51 बाय 14 i कैप प्लस 14 7 जा 98 है ना, 98 78 88 90, मतलब 24 अपॉन 14 j कैप, ठीक है क्या, और 112 मतलब ये 1 अपॉन 14 j कैप, आई होप कैलकुलेशन सही होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है बीसी वेक्टर का, तो दिस विल बी इक्वल टू -51 बाय 14 का स्क्वायर प्लस 24 बाय 14 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 51 इंटू 51, देखा हो तो 50 प्लस 1 देखो ना, 2500 प्लस 1 प्लस 50 टू 100, 2600 वोल्ट अपॉन 196 प्लस 476 होगा ना, ये 576 576 अपॉन 196 प्लस 1 अपॉन 196, ऐड कर लो, दिस इज इक्वल टू 26 5 31 175 अपॉन 196। इसको सॉल्व कर लो, यदि कुछ कट रहा है, दिस इज द आंसर, ठीक है, 47 51, ठीक है, 98 तो 98 98 98, 112 तो, ठीक है, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप ये प्रोजेक्शन वाला पार्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा, है ना, तो नोट कर लो यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट खत्म, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थैंक यू।